हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक न्यू शॉर्ट्स वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो जैक पोर्ट, वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न अब क्या होगा और कैसे होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो एक पेपर का पन्ना आपको दिखाई दे रहा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि OMR शीट उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। बच्चों, OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों में ही होगी इंटरमीडिएट और 10th की परीक्षा। समझ में आया? इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जैक एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो है, और इसको बोला जा रहा है इसको बोला जा रहा है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके जगह मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। परीक्षा मार्च के अंतिम या तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। लिखा है कि जैक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक टर्म में होगी। छात्रों को राहत देने देने को कम कर सकते हैं सिलेबस। मतलब अब इससे पिछले वाले दिन में हमें जो है वो पेपर मिला था, जिसमें हमें बताया गया था कि 10 फरवरी को हमारा जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। 10 फरवरी को एग्ज़ाम कब होगा इसकी तिथि जारी होने वाली है, लेकिन इस पेपर में आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जैक वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। छात्रों को राहत देने देने के लिए सिलेबस को थोड़ा और ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा काटा जा सकता है। तो ठीक है, तब तक बने रहिए चैनल पे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। और चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी दे दें, ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियो रेगुलर लेके आता रहा। थैंक यू वेरी मच।